Yes. संजय दत्त ने शेयर किया कि किस तरह वो बने KGF 2 के अधीरा। इस बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर में मेन विलन की भूमिका निभाने वाले संजय ने शेयर किया उनके इनसाइट्स इनटू व्हाई सदर्न फिल्म्स आर डूइंग गुड बिजनेस इन बॉलीवुड। संजय दत्त ने रिसेंटली एक मीडिया पोर्टल को इंटरव्यू दिया where he revealed many interesting details about his association with this project. जब संजय से पूछा गया कि वो कैसे और क्यों इस फिल्म से जुड़े तो संजय ने रिवील किया that part one of the film had just a silhouette shot of Adhira. फिल्म के सेकंड चैप्टर के लिए the makers reached out to him via a family friend who contacted his wife Manyata. मान्यता ने फिल्म का पहला चैप्टर देखा था एंड सजेस्टेड टू संजय कि वो इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करें। संजय ने KGF 1 देखी एंड देन अग्रीड टू अ नरेशन आफ्टर विच ही सेड यस टू द प्रोजेक्ट। संजय की परफॉर्मेंस के साथ उनके ड्रामेटिक लुक को भी बहुत तारीफ मिल रही है। Speaking about Adhira and the significance of this character in his cinematic journey, Sanjay ne kaha, "The journey with Adhira has been a great one for me because from where I entered the industry, playing an action hero in larger than life films, I got a chance to go back to that zone with Adhira and KGF Chapter 2." पुष्पा द राइज के बाद KGF चैप्टर 2 दूसरी सदर्न लैंग्वेज फिल्म है जिसे पैन इंडिया पॉपुलैरिटी मिल रही है। When asked कि आखिर सदर्न फिल्मों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इन्हें इतना पसंद कर रहे हैं तो संजय शेयर सम इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। द वेटरन एक्टर सेड कि सदर्न फिल्मों में आज भी लार्जर देन लाइफ हीरोइज्म है जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड फिल्मों में अब नहीं है। संजय सेड, आई एम नॉट सेइंग दैट स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म्स और रोमकॉम्स आर बैड, बट आवर ऑडियंसेस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान मेक अप अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर ऑडियंसेस। आई होप दैट ट्रेंड कम्स बैक इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। He also added कि स्टूडियोज के कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से भी चेंजेस आए हैं। संजय का मानना है कि बॉलीवुड में आज रिकवरी फिगर्स और प्रॉफिट्स के बारे में सोच के फिल्म्स बनाई जाती हैं, वाइल सदर्न फिल्म्स को स्क्रिप्ट में फेथ देखकर बनाया जाता है। Well, it looks like audience के tastes काफी varied हो गए हैं। जहां एक तरफ high concept small budget films भी अच्छी business कर रही हैं, वहीं big budget masala pot boilers भी super hit बन रही हैं। Looks like there is something for everyone in today's cinema. खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।